के पास शब्द नहीं मिल। तो आपकी लाइफ वेस्ट है। वेलकम टू माई चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इस तरीके से, काफी रॉ टाइप से। आज है हनुमान जन्मोत्सव। एक्चुअली यहाँ पर, मतलब यहाँ भोपाल में बहुत जोर शोर से ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। यहाँ पर आई थिंक हर ही चीज का ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। बहुत अच्छे से डेकोरेशन होता है, सब सेलिब्रेट करते हैं। अच्छी चीज है, ऐसे होना चाहिए। तो आज ना विशाल भंडारा है। तो हमारे, मतलब एक हम लोगों का भी मंदिर है, मेरे फादर इन लॉ का, तो उस मंदिर में भी बहुत बड़ा, आई थिंक वो सबसे बड़ा होता है ना, इस पूरे एरिए का सबसे बड़ा भंडारा होता है। तो वहाँ पर कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली देते ही हम लोग हर साल। और एक और मंदिर है जो हमारे घर के पास है, वहाँ पर भी काफ़ी बड़ा होता है। तो वहाँ पर भी, मतलब हमारे भी, क्योंकि इतने सारे लोग खाते, इतना पुण्य का काम हो रहा है, तो हम लोग सब कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, चोला चढ़वाते हैं भगवान को, ये सब। तो आज ये सब होने वाला है। बट आज मेरे पास बहुत सारे काम भी है, काम इन द सेंस मीन्स मेरे को बहुत सारी, आज मुझे पापा को ऑफिस लेके जाना है। तो वो, उन्होंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, मतलब जनवरी से उन्होंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। उनका बहुत, मतलब उनके एक एम लिस्ट में था कि मुझे 1 जनवरी को ऑफिस जाना ही जाना है। तो मतलब अभी वो एकदम खुद से चल नहीं पाते हैं, तो हम लोग उनको गाड़ी में बैठाते हैं। गाड़ी में बैठे थे वो मेरे साइड में, और मैं कभी मैं ले जाती हूँ, कभी विक्की ले जाता है, जिसके पास जैसा रहता है। तो आज मैं लेकर के जाने वाली हूँ उनको ऑफिस। तो उनका ऑफिस थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी। ही इज इनटू क्राइम ब्रांच ना, तो उनका पूरा कंप्यूटराइज्ड वर्क होता है। तो वो वर्क फ्रॉम होम लैपटॉप पे, उनका ऑफिस से लैपटॉप मिला हुआ है बकायदा, तो वो घर से ही काम करते हैं। बट हाँ, 15 डेज में अटेंडेंस लगाने के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद विक्की और मुझे आज कहीं काम से जाना है, क्योंकि 2 दिन बाद हम लोग मुंबई निकल रहे हैं। तो यस, अभी मैं जा रही हूँ। आज मेरा बहुत, यार इतने दिनों से मेरा इतना मन कर रहा था, वो जो मैं मनोहर के समोसे खाती हूँ, सैंडविच समोसा, वो लेने के लिए जा रही हूँ। तो समोसे हम लोगों ने पैक करवा लिए हैं, और अब मैं पापा को लेकर के उनके ऑफिस आ गई हूँ। तो एक्चुअली ये बैक पीछे का एरिया है, तो पुलिस मुख्यालय बहुत बड़े एरिया में होता है, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो मैं तो खैर बचपन में बहुत आती थी यहाँ पे, तो मैं तो घूमती हूँ, पर विक्की आता है ना, तब पूरा अच्छे से अंदर घूम घाम के आता है वो। एंड उसके बाद रोड में बहुत ज़्यादा रौनक थी हनुमान जन्मोत्सव की। मैंने बताया ना, भोपाल में हर चीज़ बहुत धूमधाम से होती है। तो ये हमारे घर के पास में ना एक पूरा जुलूस टाइप का निकल रहा था, और बहुत शानदार था, मतलब मज़ा आ गया था इसको देख कर। सो आज है नेक्स्ट डे। मैंने आई थिंक कल आप लोगों से बोला था दैट आई एम गोइंग परसों के दिन, 2 दिन बाद मैं मुंबई निकल रही हूँ। तो मैं 2 दिन बाद ही, मैं उसके जस्ट नेक्स्ट डे जा रही हूँ। कल तक मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था मैं सैटरडे जाऊँगी, बट टुडे इज फ्राइडे, तो आज की टिकट हो गई है। तो हम लोगों का ऐसा होता है कि तत्काल जो भी हम टिकट निकालते हैं उस पर डिपेंड करता है। सो हमारी जो तत्काल की आज की टिकट मिल गई, इजिली कन्फर्म हो गई, तो हम लोग आज जा रहे हैं। आज की नहीं मिलती तो फिर हम लोग कल पंजाब मेल से जाते। पैकिंग करना स्टार्ट कर दी है मैंने, मेरी मम्मी ने वही 2-3 चीज़ें बना के रख दी है। मेरी 6 बजे की ट्रेन है, तो मैं अपना स्किन केयर करने वाली हूँ। फेस पे ये एक्ने हुए, तो क्योंकि गर्मी आ गई है, तो अचार से फेस पे एक्नेज आना स्टार्ट हो जाते हैं, साथ ही साथ दही से भी। सो गर्मी में मैं अचार खाती हूँ, और अचार के बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, तो भी ठीक है यार, मेरे को ऐसा, और मुझे पसंद भी बहुत है, घर के अचार मुझे बहुत पसंद होते हैं, तो भी ठीक है, एक्ने आता है ठीक है, मैं सोल्यूशन भी मेरे पास है उसका। यहाँ पर अभी मैं ये यूज़ कर रही हूँ, द डर्माकोका 10% नियासिनेमाइड फेस सीरम। जो डर्माकोका 10% नियासिनेमाइड सीरम है, ये हेल्प करता है आपके एक्ने मार्क्स को क्लियर करने के लिए, एंड साथ ही साथ आपको स्पॉटलेस, यूनिक एंड फिल्टर फ्री स्किन देता है, जो आप हमेशा से चाहते हो। ये आपके स्किन के बैरियर को इम्प्रूव करता है, ये रिपेयर करता है पास्ट साइन ऑफ डैमेज, रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को, रिजल्टिंग इन एक्ने एंड पिंपल फ्री स्किन। तो इसका जो की इंग्रेडिएंट है वो है नियासिनेमाइड, इट इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B3 एंड इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट दैट एक्टिवली वर्क्स टुवर्ड्स रिड्यूसिंग एक्ने मार्क्स। द डर्मा को 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल दैट हैज SPF 50 एंड PA 4x+। This now comes in an 80 grams value pack which lasts longer. ये काफी बड़े पैक में आता है, तो आपको वरी नहीं करना है अबाउट योर सनस्क्रीन फिनिशिंग ऑफ अर्ली। ये बहुत ही फेदर लाइट फॉर्मुलेशन है, जो कि स्किन को बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं बनाता है। सुपर लाइट वेट, फ्रेग्रेंस फ्री एंड डिजॉल्व लाइक वाटर। तो ये जो इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन ई का, ये हेल्प करता है फाइट करने से सन डैमेज को, और साथ ही साथ रिड्यूस करता है फाइन लाइन्स, रिंकल्स, और आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है बटर लाइक। ये उन लोगों के लिए होली ग्रेल सनस्क्रीन है, जो लोग टायर्ड हो चुके हैं इस तरह की सनस्क्रीन से, जो व्हाइट कास्ट छोड़ती है और साथ ही साथ स्किन को बहुत ही ज्यादा ग्रीसी बनाती है।
तो इनको आपको लगाना कैसे, अपने फेस को अच्छे से क्लेंस कर लेना है, उसके बाद सीरम लगाना है एंड टॉप ऑफ दैट आपको सनस्क्रीन लगाना है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन प्रोडक्ट्स का लिंक दिया रहेगा, डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल गेट 20% डिस्काउंट एट द डर्माको की वेबसाइट पर। जितने भी नए प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम द डर्माको ये सारे प्रोडक्ट्स ही फ्रेग्रेंस फ्री है। एंड जब भी आप द डर्माको का प्रोडक्ट द डर्माको की वेबसाइट से परचेस करेंगे, डर्माको विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि, जो कि एक बहुत अच्छा कॉज है। आप एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट ले रहे हैं, साथ ही साथ आप बहुत सारे यंग बच्चों के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं जो उनकी एजुकेशन का पार्ट बनेंगे। तो यस, अब मैं पैकिंग स्टार्ट करती हूँ एंड बहुत दिन से वॉश भी नहीं किया था। मैं सोच रही हूँ कल मुंबई जाऊंगी, तो क्योंकि मुंबई जाते से हम लग जाते हैं बिल्कुल क्लीनिंग में। पैक करती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। पहुंच गए हम घर, और घर पे लिटरली घुसते से पता है मैं क्या देखती हूँ। सबसे पहले तो फर्नीचर के ऊपर हाथ मार के देखती हूँ कि डस्ट कितनी है और मुझे कितनी क्लीनिंग करनी है। पहुंच गए हम लोग मुंबई। बहुत बुरी हालत हो रही है अभी मेरी, क्योंकि बहुत सारा अभी डस्टिंग वगैरह किया है, साफ सफाई हुई है, घर बहुत गंदा हो जाता है। तो फर्स्ट जो तो हमारा यही चलता है, क्लीनिंग डस्टिंग एंड एवरीथिंग। घर पूरा क्लीन हो चुका है अब, बैल्कनी सब कुछ। मैं एक फर्स्ट डे भले ज़्यादा टाइम लेकर के करवाती हूँ काम, बट वो पूरा बाकी का नीचे का काम कराती हूँ, बाकी ऊपर की डस्टिंग सब मैं कर देती हूँ फटाफट। तो सब ऑर्गेनाइज हो चुका है, दिखाती हूँ। मैं शाल लेने जा रही हूँ, तब तक विक्की खिचड़ी बना रहा है, फिर मैं भगवान वाला प्रोसेस करूँगी। यहाँ सब पूरा जो भी बेडशीट वगैरह थी वो सब हटा के अच्छे से क्लीन कर दिया है। ये सिर्फ सामान फैला, मतलब घर का हमने जो खाने पीने का सामान है वो निकाल करके रखा हुआ है, और मतलब डस्टिंग प्रॉपरली हो चुकी है सब कुछ। अब भी जस्ट हम आए हैं और पार्सल आना स्टार्ट हो गए। मैंने कुछ कुछ ऑर्डर किया था, दिखाऊंगी आप लोगों को। ये सब बाहर फूड शू रैक में रख करके बस मुझे आना है। एंड यहाँ पे भी सब डस्टिंग वगैरह हो गई है, इसको रखना है मुझे इधर की मैं क्लीनिंग कर रही थी। बाकी हम किचन एकदम चकाचक करके गए, किचन इज ऑलमोस्ट क्लीन। यहाँ पर बन रही है खिचड़ी, ये है विक्की, हेलो, ओके। और सारे रूम्स मतलब क्लीन हो गए हैं। यहाँ बस अभी जो है, मैंने अभी इतना सारा सामान जो पसारा है वो निकाला हुआ है। ये जो हमारे कपड़े हैं वो, ये सब, ये इतना हमको करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये हम बहुत अच्छे से कवर करके गए थे। थोड़ी देर पहले उठी हूँ क्योंकि हम लोगों की जो ट्रेन है वो सुबह आ गई थी यहाँ पर, तो उसके बाद मैं एक घंटा सो ली थी ताकि फ्रेश उससे फिर मैं अपना सारा काम स्टार्ट करूँ। मैं फटाक से शार लेने के लिए जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ओके गाइस, सो आई जस्ट टुक शार। किचन का भी काम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, अब बारी है भगवान को क्लीन करने की। तो एक्चुअली हमारे जो भगवान है ये सब चांदी के हैं, तो ह्यूमिडिटी की वजह से ये पूरे रिएक्ट कर जाते हैं, और इससे इस तरीके से चांदी, वैसे भी प्योर चांदी जो होती है वो काली पड़ जाती है। तो इनको मैं अब अच्छे से क्लीन करूँगी, पूरा एरिया ही क्लीन करूँगी, बिकॉज सब जगह मुझे काफ़ी डस्ट लग रही है। और ये हमारा पूरा भगवान का सामान रहता है यहाँ पर, तो इनकी क्लीनिंग साफ़ सफाई स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने मेरा होम ऑरा क्लेंजिंग वाला वीडियो देखा है, तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि सैटरडे जो होता है वो बहुत अच्छा दिन होता है आपके घर की एनर्जीज को शिफ्ट कराने के लिए एंड ऑरा क्लेंजिंग करने के लिए। मतलब वन ऑफ द बेस्ट डेज है, आप कर तो किसी भी टाइम पे कर सकते हो, किसी भी दिन कर सकते हो, बट सैटरडे को एक सबसे टॉप प्रायोरिटी वाला डे रखा जाता है। तो क्योंकि आज मैं आई हूँ तो सैटरडे था और काफ़ी दिन से घर भी बंद था, तो मैंने सोचा मैं जब भी आती हूँ तो मैं थोड़ा क्लेंजिंग वगैरह करती हूँ। तो मुझे लगा आज का डे बेस्ट है, मैं भगवान का भी सब कुछ, क्योंकि विक्की की वैसे ड्यूटी रहती है भगवान को नहलाने की, बट वो करता है तो फिर वो ऊपर करता है, वो इतनी डीप क्लेंजिंग नहीं करता है। तो मुझे आज पूरा सब कुछ जो डीप क्लेंजिंग करनी थी, सो दैट्स वाई मैंने उसको बोला आप किचन में लग जाओ, मैं यहाँ का काम कर लूँगी। तो फिर आज मैं सारी चीज़ें क्लीन कर रही हूँ, भगवान को एकदम क्लीन करूँगी अच्छे से, चमकाऊँगी उनको, और सब अपनी अपनी जगह पर रख रही हूँ सारी चीज़ें। तो हमने मंदिर उठा करके नीचे से भी क्लीनिंग किया था, काफ़ी सारी डस्ट निकलती है वहाँ से भी मैं क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ, ये एक रुपेरी करके आता है जो कि सिल्वर क्लेंजिंग स्पेशली सोल्यूशन होता है। तो आप देखिए उसको मैं डाल रही हूँ, एंड टिश्यू पेपर एक अलग टाइप का, थोड़ा ये अच्छा क्वालिटी का टिश्यू पेपर है, उसकी हेल्प से मैं भगवान को क्लीन करती हूँ। तो आप दूध और इनसे भी कर सकते हो, नींबू से, बट वो आप तब कर सकते हो जब आप डेली बेसिस पे भगवान क्लीन कर रहे हो, क्योंकि इनमें 15-15 दिन ये बंद रहते हैं,
तो क्या होता है कि आप थोड़ा सा वो जम जाता है, सो दैट्स वाई मैं ऐसे सोल्यूशन से क्लीन कर रही हूँ. तो ये सारे बहुत देखिए आप, ये बिल्कुल काले हो रखी है ना, जैसे ये भगवान की जो ग्लास की वो है जिसमें हम पानी भर के रखते हैं, ये देखिए एकदम क्लीन हो जाएगी, ये पूरा क्लीन कर देता है, ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है. तो पीताम्बरी मैं यूज़ करती हूँ फॉर माई ब्रास आइटम्स और कॉपर और ब्रास के लिए, और जो ये है इसको मैं सिल्वर के लिए यूज़ करती हूँ. तो तब तब हमारा जो विक्की है वो किचन क्लीनिंग कर रहा है. ले रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि ये साइड कभी कभी देखने को मिलता है. और बाकी की जो कॉपर ब्रास वाली चीज़ें हैं वो मैं पीताम्बरी से क्लीन करूँगी. मेरे पास इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे मेरे पास लड्डू गोपाल है, तो आप लड्डू गोपाल को लेके जाते हो कि छोड़ के जाते हो? अगर आप छोड़ के जाते हो तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए. देखो सब नियम कानून आपको वही फॉलो करना चाहिए जो आप कर सको. तो मेरा शुरू से जो लड्डू गोपाल का वो है, मैं उनको साथ लेके नहीं जाती हूँ, उनको मैं घर पे छोड़ के जाती हूँ. ये हमारा घर है. तो मेरी मम्मी का ऐसा कहना है कि भगवान को साथ लेके नहीं जाना चाहिए, उनको बोल के आ जाओ कि मैं हम थोड़े दिनों में आते हैं और हमारे घर की आप तब तक रक्षा करना, मतलब रक्षा सुरक्षा ऐसे करके. तो हम लोग इस तरीके का हमारे कल्चर में है ही नहीं कि अगर मेरी मदर इन लॉ भी जा रही है या मेरी मम्मी जा रही है तो हमारे सबके घरों में लड्डू गोपाल है. तो वो वैसी वाली जो सेवा होती है, मैं समझ गई आप कैसा बोल रहे हो, जो मानने वाले होते हैं वो वैसा करते हैं. तो मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. तो सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लीन हो गई हैं और अब हम पूजा स्टार्ट करते हैं और क्लिनजिंग वाली जो प्रोसेस है वो फॉलो करूंगी मैं. ये है हम लोगों का खाना, विक्की स्पेशल दाल खिचड़ी. ये हम लोग कल जो सब्जी लेके आए थे वो है, और ये मैं घर से अचार लेकर के आई हूँ, आम का थोड़ा सा ही लेके आई हूँ. हम लोगों का आज का लंच खाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग. आज है नेक्स्ट डे, मतलब कि आज है संडे. तो आज बहुत सारे काम हैं. एक्चुअली कल शाम को ना हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, इसलिए मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया, सिंपल खाना खाया और बैठे रहे. और कल लिटरली थोड़ा बोर सा लग रहा था. एक्चुअली अभी इतने सारे लोगों के साथ वहाँ पर रहने लगे ना, तो मुझे लिटरली कल यहाँ पर थोड़ा बोर सा भी लग रहा था. और कल यहाँ का वेदर भी बहुत अजीब हो रहा था. भोपाल में तो कल मुझे पता चला कि ओले गिर गए थे, मतलब हम आए हैं और कल ओले गिरना स्टार्ट हो गए थे. तो मुझे लगता है उसका इफेक्ट बोल रहा है जो भी है. यहाँ पर भी बादल हो रहे थे तो बहुत ह्यूमिड ह्यूमिड लग रहा था. तो अजीब सा था. नीचे वॉक करने भी गए तो हम फटाक से भग के ऊपर आके एसी में बैठ गए, बिकॉज अभी ह्यूमिडिटी लग रही है. और एकदम से आप जब वेदर चेंज भी करते हो ना, सिटी चेंज करते हो, थोड़ा एडजस्ट करने में बॉडी को टाइम लगता है. तो आज भी मैं जल्दी उठ गई सुबह 7 बजे से. विक्की तो 6:30 बजे उसकी नींद खुल गई थी और मेरी भी तब खुल गई थी जब वो उठा, बट फिर मैं थोड़ा लेजी वेजी मोड में 7 बजे तक उठी हूँ. तो आज मुझे थोड़ा सा वॉशिंग वगैरह करना है, जैसे कर्टन्स वगैरह, बिकॉज आई थिंक जब से हम यहाँ पर आए हैं, शिफ्ट हुए हमको 8 महीने हो गए, नहीं 8 महीने पापा के इसको हुए हैं, 7-8 मंथ्स. तो जब भी हम शिफ्ट हुए हैं मई में, उसके बाद से आई थिंक कर्टन्स वॉश ही नहीं हुए हैं. तो मैं सोच रही हूँ अभी इस बार कर्टन वॉश करके जाती हूँ. गर्मी है तो आराम से सूख जाएंगे, क्योंकि उसके जस्ट कभी भी बाद बारिश स्टार्ट हो सकती है नेक्स्ट टाइम आऊँगी, क्योंकि इस बार तो वेदर का वैसे ही कोई भरोसा नहीं. और दिख गया है जिम, उसके बाद फिर हम लोग डी मार्ट जाएंगे, क्योंकि अब फाइनली हमारा राशन भी थोड़ा सा ख़त्म हो गया है. थोड़ा सा क्या, काफ़ी सारा ख़त्म हो गया है. तो वो लेने के लिए जाना है हम लोगों को. सो या एंड सबसे मज़े की बात ये थी कि कल जब हम सुबह, मतलब शाम को जब हम वॉक करके आए ना, तो हम लोगों ने एसी चलाया हुआ था क्योंकि गर्मी लग रही थी. एंड फिर अप्रॉक्सीमेटली विक्की को इतना एसी सूट होता नहीं है, उसको छींके स्टार्ट हो गई थी, शायद एसी में डस्ट है या पता नहीं क्या रीज़न है. तो मैंने फिर एसी बंद कर दिया था और फिर हम लोग ये विंडो को ओपन करके ही सोए हैं. लिविंग रूम वाली विंडो में भी नेट लगा हुआ है ना, तो वो पूरे घर में फिर अच्छे से क्रॉस वेंटिलेशन होता, तो लिटरली गर्मी नहीं लगी, पता नहीं चला हम लोगों को. उल्टा सुबह सुबह तो अच्छी ठंडक हो गई थी. तो मेरे को विक्की बार बार बोलता है रात को 11:30-12 बजे कि चला लो एसी चला लो, अगर गर्मी लग रही है तो चला लो एसी चला लो. तो मैं उसको याद दिला रही थी, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं लग रही है गर्मी. मैं अगर मुझे गर्मी लग भी रही है ना, तो मैं वो वाला टाइम सोच रही हूँ जो लास्ट ईयर हम लोग, आपको याद होगा मार्च से लेकर के मई तक, जब तक हमारा काम नहीं, घर पे हम शिफ्ट नहीं हो गए थे, तब तक वी यूज टू कम हेयर. और लिटरली अभी तो चलो बारिश हो रही है, बादल हो रहे हैं, थोड़ा वेदर थोड़ा सटल वे में है, इतनी ज़्यादा भयंकर भीषण गर्मी नहीं है जो पिछले साल थी. पिछले साल तो मतलब मुझे वो दिन याद है कि मैं, हम लोग यहाँ पर तब पतला सा मैट्रेस, जो मैट्रेस भी नहीं बोलूँगी उसको दरी बोलूँगी मैं, दरी बिछा के सोते थे मच्छरदानी में. और इतनी गर्मी होती थी भाई दिन में, यहाँ तो चलो मैं दिन में एसी चला लेती हूँ. तो मैं विक्की को बोलती हूँ वो जो टाइम था उससे तो अभी हम बहुत बेटर पोजीशन में सो रहे हैं, तो मैं वो याद कर लेती हूँ और फिर मेरे को बिल्कुल गर्मी वर्मी कुछ नहीं लगती.
पीछे आप देख रहे हैं ना, वो मैं नहीं हटा रही हूँ, ना ही बेडशीट चेंज कर रही हूँ, ये क्लीन करना है। और साथ ही साथ हम लोग एसी भी क्लीन करवाने वाले हैं, तो बेडशीट गंदी होगी, तो बेडशीट तो मैं आराम से चेंज करूंगी। अभी कर्टन हटाती हूँ। तो अभी एक्चुअली मैं और विक्की निकले थे जस्ट बाहर। ऐसे तो हम लोग अब तक इतने सालों से आशीर्वाद आटा यूज़ कर रहे थे, बट अब हम लोगों ने बंद कर दिया है आशीर्वाद। अब हम लोग स्विच कर रहे हैं टूवर्ड्स चक्की वाला जो आटा होता है ना, जो तो हम लोग वो कर लेने के लिए जा रहे थे। एंड अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि हम जस्ट यहाँ से थोड़ा सा घर के, वो तो ये अच्छा नियर बाई हुआ, हम निकले ही और हमारी गाड़ी बंद हो गई। तो शायद से बैटरी का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आई डोंट नो। वहीं पे ये बहुत अच्छा हुआ कि वहीं सामने मैकेनिक भी मिल गया, वहीं सब हो गया, अभी हो रहा है काम। बैटरी वाला भी हमारे घर के पास में ही है, तो विक्की अभी जा रहा है, मैं फिर पैदल घर पे आ गई। एंड तब तक मेरे कर्टन्स वॉश हो गए, ये रहे कर्टन्स वॉश भी हो गए, मैं वापस यहाँ पे डाल भी दूंगी। वो सूख भी गए हैं, मतलब 70% दे आर ड्राइड, और वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी के इंसान सूख जाए तो कपड़े हैं, तो उसको मैं अभी यहाँ पे लगा भी दूंगी फटाक से। ओके, एक और नई चीज़ बताती हूँ जो मैंने अभी ऑर्डर करी है। चिपक गया। ओके, दिस इज द वन, काफ़ी ज़्यादा वायरल ट्रेंड में चल रहा है। दिस इज एक्चुअली अ, भाई मेरा तो ये खुल भी नहीं रहा है। ऑल्सो आई गॉट फ्यू थिंग्स फ्रॉम Amazon, जिसका मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी। लेकिन जो एक और एक्स्ट्रा चीज़ ऑर्डर करी है वो है ये स्टिकर बुक। तो अगर आप मेरी तरफ प्लानर लवर हैं तो आपको दिखाती हूँ मैं एक मिनट। दिस इज द स्टिकर बुक, इसमें बहुत ही कूल टाइप के स्टिकर्स बने हुए हैं। वन पेज, देन दिस इज सेकेंड पेज, आप जर्नलिंग वगैरह मतलब काफ़ी सारे हैं। ये थर्ड है, ये फोर्थ है, पेज है, ये पूरा ऐसे सेल्फ केयर सेल्फ पैम्परिंग वाला सेशन दिया हुआ है इसमें। फिर उसके बाद ये इस तरीके का आप ट्रैवल एवल करो, मतलब बहुत ही कूल स्टिकर्स है, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया। उसके बाद ये देखिए, आप इतनी सही तरीके की जर्नलिंग कर सकते हो। जैसे मैं अभी आई एम इन टू जर्नलिंग फ्रॉम जनवरी से, मैंने शायद पता नहीं शेयर किया कि नहीं किया, बट मैं करती हूँ। और ये देखिए बहुत क्यूट, बहुत ही मतलब क्यूट है। 399 की है एंड आई थिंक इट्स वर्थ बाइंग, काफ़ी सारे हैं इसमें। तो मेरा कज़िन जो है, मेरी मासी का बेटा, वो भी आया हुआ है मुंबई, तो वो आया था मैच देखने के लिए वानखेड़े आया था, कहाँ आया था, हाँ वानखेड़े स्टेडियम ही आया था। तो मोस्ट प्रोबेबली आज वो घर आएगा, तो वही है। पर अब टाइमिंग्स वगैरह हमको नहीं पता है कितने बजे आएगा क्या है। फिर मैंने कुछ जो प्लांट्स मेरे बाहर रखे थे ना, वो अंदर रख दिए हैं। ये देखिए, इस बार मैं प्लांट्स को, एक और चीज़, मैं जब लास्ट टाइम आई थी, मतलब मैं जब अभी इसके पिछले मंथ आई थी, वो मैंने शेयर नहीं किया था। मैं अगेन 12 दिन यहाँ पर रुकी थी, बट आई थिंक मैंने एक व्लॉग, क्योंकि मैं व्लॉग नहीं कर रही थी और ना ही मैंने इंस्टाग्राम से भी, मैं गायब थी, तो मैं ना ही मैंने इंस्टाग्राम पर एक अपडेट डाला है, ना किसी को पता है कि मैं मुंबई आई थी। क्योंकि एक तो मेरा किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा था, लिटरली मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था, और ना ही मेरा किसी से मिलने का मन कर रहा था। एक मिनट, विक्की आ गया है। तो ये है हमारा वायरल जो आइस रोलर है, इसको देख के विक्की से खुलवाया मैंने। एक तो मेरा ये ना आधा ही भरा था मैंने शायद, तो विक्की वाला क्या बोलता है, ज्यादा समझदार लोगों को मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे, सच बता रहा हूँ। मतलब चलिए, मुझे भी अब यही लग रहा है, वेस्ट ऑफ मनी है ये, बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है, पानी टपक रहा है। 200-250 रुपए का वेस्ट करना मनी को, पर लिटरली ये पता है वन ऑफ द वायरल ब्यूटी प्रोडक्ट है, इसलिए लिया था मैंने, वेस्ट है भाई। ऑनेस्ट ओपिनियन दे रही हूँ, बिल्कुल मत खरीदना, अपने घर की चुपचाप से निकालना एक आइस और वो चेहरे पे लगा लेना, दैट्स इट। ओके गाइस, सो आई जस्ट टुक शावर और अब थोड़ी देर में खाना खाएंगे। तो आज एक्चुअली क्या हुआ ना, अभी हम लोगों का ग्रॉसरी का थोड़ा सामान आया है, तो वही ऑर्गेनाइज हो रहा था। चावल जो होते हैं ना, उसमें जैसे चावल हमारे एकदम नॉर्मल थे, जो अपन के काले कीड़े नहीं हो जाते, धंधूरा जिसको बोलते हैं, वो सब मैं चेक करती थी, तो वो सब ना हमारे चावल में हुआ था ना हमारे दाल में हुआ था। तो अब चावल का ना लास्ट स्टेज बना था, मतलब एकदम लास्ट स्टेज। तो जैसे ही वो लास्ट स्टेज विक्की ने देखा, उसमें ना ब्राउन ब्राउन कलर के, मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम बारीक बारीक कीड़े थे, एकदम बारीक। तो डू लेट मी नो, मतलब ये कीड़े भोपाल वाले हमारे घर तरफ तो नहीं होता, क्योंकि मेरे पेरेंट्स और इन लॉज का कैसा है ना, ये लोग दाल लाते हैं 10-10 20-20 किलो आती है, चावल भी ऐसे ही आते हैं, और गेहूँ वगैरह जो भी आते हैं ना, तो ये लोग सब धोते हैं
और फिर छत पे सुखाते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो घंटा सुखाया, तीन तीन चार चार दिन तक सुखाते हैं और फिर भरते हैं। तो हमारे घर के इनमें तो कभी भी ये सब चीज़ें नहीं होता है, अभी यहाँ पर जगह भी नहीं है सुखाने की, और ये सारी चीज़ें, धूप इतनी आती भी नहीं है, छत की बात अलग हो जाती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कीड़े हैं, ये कीड़े हो गए, दीज आर द कीड़ास जिसमें हुए हैं। हालांकि हम लोग तो बहुत वॉश करते हैं और बॉइल वॉइल सब करके, तो इस तरीके के कीड़े हो रहे हैं। तो प्लीज़ डू लेट मी नो कि क्या, मुझे लग रहा है शायद लौंग डालती हूँ, मैं लौंग डालूंगी और वो डालूंगी, और या तो ये भी हो सकता है कि काफ़ी पुराने, 8 महीने हो गए, 8 महीने पुराने चावल हैं। तो भी यार 8 महीने कोई बहुत नहीं होता। मैं आपको बेसन की सिचुएशन बताती ना, आज मैंने बेसन खाली किया था, बेसन हार्डली होगा, तो अभी लेके आए थे हम लोग 2-2.5 महीने पहले, मैं आई थी उसके बाद की बात है, दिवाली के बाद की बात है। उस बेसन में से ऐसी, वो बेसन पूरा काला हो गया था, और जैसे आटा गूंथते हैं ना वैसे नीचे नीचे वैसा हो गया था, ठीक है, एंड पूरा ब्लैक, और ऐसी स्मेल आ रही थी, ऐसी स्मेल आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब पैकेट वाला बेसन लाते हैं तो, मतलब मैं ये सोच रही थी कि हम लोग क्या खा रहे हैं, पैकेट वाली चीज़ें जो यहाँ पे खाते हैं, माय गॉड। तो अब नेक्स्ट टाइम से मैं तो जब यहाँ आऊँगी, जैसे हम लोग अभी आटा चक्की से पिसवा के लेकर के आए हैं विक्की फ्रेश, और अभी लिटरली उसकी रोटी इतनी अच्छी बनी है, घी भी नहीं लगाया बट स्टिल वेरी सॉफ्ट। हम लोग अदरवाइज आशीर्वाद लेके आते थे पिछले 6 सालों से, फ्रेंड रहती है वो भी आटा चक्की से ही वो करवाती, तो हमने उससे भी पूछ लिया था, तो हमको मिल गई है, घर के काफ़ी पास में है, हमारे बहुत पास में, ये चीज़ बहुत अच्छी, हमने यहाँ पे घर ये लिया है ना, हमारे सब कुछ आसपास ही है, तो कहीं ऐसे बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। सब्जी वाला नीचे बैठता है, फ्रेश फ्रूट वाला नीचे बैठता है, नारियल पानी वाला नीचे बैठता है, सब आके दे जाते हैं घर पे, तो वैसा होता है। तो कभी भी मैं ये होता है ना ब्लिंकिस्ट और ये और वो ऑनलाइन जितने भी ऐप्स होते हैं, हमने लॉकडाउन में सिर्फ ऑर्डर किया है तो ऑर्डर किया, अदरवाइज हम लोग कभी फ्रेश लेके आते हैं हम लोग लोकल वेंडर से। एंड हाँ, तो अभी बस वही खाना खाएंगे और देखते हैं मेरा कज़िन कब आता है, और अभी ये सब जमाना भी है। तो मैंने सोचा था कि कुक लगवा लूँगी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आज ये कुक ने खाना बनाया है, बट अब देखो क्या दाल की सिचुएशन है, कच्चे पूरे प्याज लग रहे हैं और टमाटर भी पूरे कच्चे हैं, तो डेफिनेटली अभी कल मनाही करने वाली हूँ मैं इनको। और जो सब्ज़ी है वो भी मैं आपको लौकी की दिखाती हूँ, तो मतलब अभी देखो आप वही है, आप इनसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम लोग जैसा खाना बनाते हैं, आराम से स्लो कुकिंग करते हैं वो, क्योंकि उनको 10 घरों में, जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे ना तब भी हमने लगवाई थी कुक, लगवाई थी मेरी, वो जो कुक है वो गई उसके गांव, उसको एक्चुअली थोड़ा उसका हस्बैंड वगैरह का कुछ इशू चलता है और बच्चे छोटे रहते हैं, 12 बीमार होते हैं, तो वो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गई और वहाँ पे उसे साड़ी की दुकान पे काम करने लग गई, ये काम छोड़ करके। तो मुझे वो इतनी अखरती है, एक तो वो इतना कम अमाउंट लेती थी और खाना भी खाने लायक बनाती थी, है ना, खाना खाने लायक बनाती थी, वो दाल वाल ऐसे नहीं बनाती थी यार। जाती हूँ मुझे कोई MP UP साइड का या बिहार साइड का कोई कुक मिल जाए, एटलीस्ट लोग खाना अच्छा बनाते हैं। कल से या तो मैं सिर्फ ये करवाने वाली हूँ, मैं रोटी बनवाऊँगी उनसे और चॉपिंग करा लूँगी, और दाल और सब्जी जो है वो हम लोग ही वो करेंगे, फ्राई करेंगे। हेलो गाइस, तो अभी ना मेरा जस्ट कज़न आने वाला है, मैंने आपको बताया था ना कि वो आ रहा है, तो उसके दो और फ्रेंड्स भी आ रहे हैं और उसकी वाइफ आ रही है। तो अब क्या है, वो मेरा बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा है कि हम लोग बहुत क्लोज है, प्रिटेंशियस टाइप का रिलेशनशिप नहीं, इट्स वेरी प्योर एंड वैसा टाइप का है। तो मैं ना किचन में थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ था, आज ही ग्रॉसरी आई है, तो विक्की मुझे बोलता है, कहते हैं क्लीन कर दो, तो मैंने कहा ठीक है रखे रहने दो ना, क्या दिक्कत है, सागर ही तो आ रहा है और कौन है, मतलब ऐसे कोई दिख ऐसे वाला थोड़ी देगी जिसको मुझे दिखाना है, उसको पता है। तो ये बोलता है, ये देखो इसके अंदर की कौन सी आत्मा जाग गई है कि ये साफ सफाई कर रहा है। हाँ, तो मैं इसको बोल रही थी चलो कुछ तो अच्छा हुआ इतने अच्छे पार्टनर के साथ रहने का, कि वो चेंज हो गया। मतलब सोचो विक्की जैसा इंसान, जब शादी मुझे याद हुई थी ना, तो मुझे पता था क्या है ये, ठीक तो है, अच्छा तो लग रहा है घर, ये तो लग रहा है, और आज ये खुद पता है मुझे थोड़ी देर पहले बोला है घर जमा ले, घर थोड़ा ठीक कर ले। बताओ यार, ऐसा हो जाता है आफ्टर मैरिज। ओके, तो अभी फिलहाल ना ये ऐसा दिख रहा है, थोड़ा बहुत मैंने लाइट्स, मतलब मुझे पसंद है प्रेजेंटेबल रखना घर को, तो इन जनरल भी मैं खुद अकेली भी रहती हूँ तो भी मैं ऐसे ही रखती हूँ खैर घर, तो मैंने ये रख दिया है, फिर उसके बाद ये ऑन कर दिया है, यहाँ ये रख दिए हैं लाइट्स, थोड़ी सी बेसिक लाइट्स ऑन कर दी है बिकॉज और यस, और ये वाला जब हम गेट खोल देते हैं ना, ये वाला विंडो एंड ये गेट खोल देते हैं, तो जो क्रॉस वेंटिलेशन होता है वो इतनी तगड़ी होती है कि फिर एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब ये कर्टन्स लिटरली ऐसे उड़ते हैं, इतनी अच्छी हवा आ रही होती है। तो बस ये मैंने गेट खोल दिया है, और ये मैं सोच रही हूँ कि दो दो जो हैंगर्स है ना, इनको एक एक को रख देती हूँ, तो ये एक एक में क्या प्लांट टांगे भी रखेंगे ना, तो ठीक लगेगा। ओके गाइस, तो मेरा जो कज़िन है वो आके गया, एक्चुअली मैंने कोई व्लॉग नहीं किया उस टाइम पे,
बिकॉज हम लोग गप्पे मारने में लगे थे और उसके साथ में उसके दो फ्रेंड्स भी आए थे. लाइट खुल ले. हाँ तो ये है फर्स्ट टाइम हमारी क्रॉकरी यूज़ हुई है यहाँ पर. ये वाली क्रॉकरी फर्स्ट टाइम यूज़ हुई है. ये फर्स्ट टाइम यूज़ हुई है तो इसको क्लीन वगैरह करते हैं. और मैंने तो इतना कुछ बनाया था नहीं, हमने सब मंगवाया था बाहर से, क्योंकि पहले हमारा ये था कि हम लोग लंच करवाते उनको. मैंने यही बोला था कि मैं लंच बनवा लूँगी, बट फिर ये हुआ कि वो लोग खा पी करके आएंगे. तो फिर विक्की बोलने लगा कि यार एक काम करते हैं, वो जब आएंगे तब जैसे उनको मतलब उसी टाइम फटाफट मंगवा करके खिला देंगे. तो उसमें से बहुत सारा बच गया है खा पी करके वो लोग आए थे. तो ये जो मेरा कज़न है ही इज़ वन ऑफ माई, मतलब जैसे मुझे सगे भाई की कमी महसूस नहीं होती है कि उतना ज़्यादा क्लोजेस्ट नहीं होते, क्लोजेस्ट मतलब ही इज़ लाइक माई ट्विन ब्रदर, ऐसा है वो मेरे लिए. तो इसी ने मेरी शादी में जो भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो सब इसी ने किया था. तो आई एम वेरी क्लोज टू हिम, इवन ही इज़ वेरी क्लोज टू मी. मेरे ऐसे काफ़ी सारे कजिन्स हैं जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है और हम लोग मरते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए. ही इज़ वन ऑफ दोज. तो अभी उसकी क्या शादी की एज हो गई है एंड शादी के लिए लड़की वगैरह हम लोग देख रहे हैं. तो जैसे अभी मेरा जो जनवरी में कज़न था ना अमन, उसको भी मेरे से, वो भी मतलब हम लोग काफ़ी, हम लोग पट्टी हम सबकी काफ़ी ज़्यादा. तो उसकी वाइफ जो आई है, जिसका मैंने इंस्टाग्राम पे डाला भी था, वीडियो भी डाला था, शी इज़ लाइक अ डॉल. शी इज़ वेरी क्यूट, शी इज़ वेरी एक्टिव. ऐसे पैपी लड़कियाँ नहीं होती जैसे, थोड़ी सी तेज़, और तेज़ मतलब मुझे ऐसे चटपटी लड़कियाँ पसंद है कि आप बात भी अच्छे से कर रहे हो, हर चीज़ में एक्टिव हो, खुश रह रहे हो, ऐसे लोग मुझे पसंद आते हैं. तो मुझे वो भी बहुत पसंद आई है. तो मेरा बस अब दिल से इच्छा है कि इसकी, सागर की जो वाइफ आएगी, वो बस मैं चाहती हूँ कि ऐसी आए हम लोगों के जैसी, बॉन्ड अच्छे से हो जाए. एंड आई वॉन्ट हर टू बी लाइक थोड़ी ऐसी पैपी टाइप की, कि पैपी मतलब शी शुड बी लाइक सब में एडजस्ट हो जाए, हंसे बोले मस्ती करे, ऐसे वाली टाइप की चाहिए. तो अभी उसकी शादी की बात हो रही थी तो उसने क्लियर घर पे बोल के रखा है कि जब तक मेरे पापा ठीक नहीं हो जाते तब तक वो शादी नहीं करेगा. मतलब दे आर, वो मेरे मम्मी पापा को भी बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह कंसिडर करता है. मतलब दे आर द, उनकी जो पूरी फैमिली है, मेरी मासी और उनके बच्चे, उनकी बहू, सब लोग विद इन 3 आवर्स में, जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, इंदौर में रहते हैं ये लोग, विद इन 3 आवर्स में दे वर देयर फॉर माई मॉम. मेरी मम्मी ने सिर्फ एक फ़ोन किया था और पूरी फैमिली वहाँ पर आ गई थी. और पूरे, मेरी मासी तो फिर 13-15 दिन तक वहाँ रुकी भी थी और ये लोग पूरे टाइम वहाँ पर प्रेजेंट थे. तो मुझे पता चल गया था ना कि सागर पहुँच गया है, अमन पहुँच गया है, ये लोग सब पहुँच गए. एक सेंस ऑफ रिलीफ मेरे अंदर था क्योंकि मुझे पता था कि हाँ ये लोग हैं वहाँ पर. तो आपके लाइफ में आजकल क्या है, इतनी भाग दौड़ बड़ी लाइफ है, आप सब अपने अपने लाइफ में इतने बिजी रहते हो, लोग इकंडे हो गए. इकंडे मतलब दे जस्ट वॉन्ट टू लिव अलोन, हस्बैंड वाइफ से वो अपना अपना रहना चाहते, अपना अपना अपना. तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने ना एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट बोली थी आज से 2.5-3 साल पहले. उसने मतलब लाइफ में आपके जो हैप्पी मोमेंट्स और सैड मोमेंट में आपके गिन के 5 ऐसे लोग होने चाहिए जो आप गिन सको कि हाँ मेरे पास ये है. वो अगर आपने नहीं कमाया ना तो आपकी लाइफ वेस्ट है लिटरली. और मुझे भी, मैं भी इस चीज़ को बिलीव करती हूँ कि आपके दुख में और आपके सुख में आपके पास 5 ऐसे लोग होने चाहिए कि आप मुँह से निकालो आवाज़ और वो आपके लिए प्रेजेंट रहे. वो अगर आपने अर्न नहीं करे ना सो योर लाइफ इज़ टोटली वेस्ट. मैं आजकल देखती हूँ बहुत लोग मतलब अपना 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 सब गृह प्रवेश जैसे इवेंट करते हैं तो अकेले कर लेते हैं, बच्चा पैदा करना है तो अकेले कर लेंगे, बड़े से बड़े लाइफ के इवेंट्स होते हैं अकेले कर लेते हैं. एंड मे बी दे आर हैप्पी, मुझे लगता है शायद वो खुश होंगे इसलिए करते हैं. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी जिन फेजेस से मैं गई हूँ ना, और मैं भी एक टाइम पर ऐसी हो रही थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं लिटरली यहाँ मुंबई आकर के मैं इसी वाइब और इसी जोन की हो रही थी. शायद मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं ऐसी हो रही थी और मेरी ऐसी सोच डेवलप होना चालू हो गई थी, इसलिए भी शायद भगवान ने, मैं इन सिचुएशंस को इस तरीके से लेती हूँ कि मुझे ना एक लेसन्स दिए हैं, एक अलग पर्सपेक्टिव लाइफ का देखने के लिए या जो भी है. मैं कभी इस बारे में आपको बताऊँगी डिटेल में, बट हाँ अभी ये बातें नहीं करते. तो वो लोग चले गए, फटाफट से क्लीनिंग वगैरह करते हैं, कुछ खाते हैं हम लोग और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ. तो मैं कल का व्लॉग जो है वो ख़त्म करना भूल गई थी एंड इसलिए अभी मैं सुबह सुबह उठी हूँ और मैं एकदम से याद आया, अभी मैं एक नया व्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ. सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ जल्दी ही आपको अपने अगले वीडियो में. टिल देन बाय.